So, देखो यार, आजकल हम लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा फास्ट हो गई कि क्या बताएं। हर समय हम लोग ऐसे भागा दौड़ी मचा रहे हैं भाई, हमारे कभी काम पे जाना, कभी स्कूल जाना, कभी ट्यूशन जाना, कहीं कहीं कोई, ओ भाई साहब रुक जाओ जरा। लेकिन हमारे पास भाई फोन जो हाथ में वो तो बिल्कुल नहीं रुकता, वो तो हमारे साथ बिल्कुल चिपका हुआ है ऐसे फेविकॉल की जोड़ की तरह। बट भाई हमारे फोन के अंदर ना एक चीज है जो सबसे ज्यादा दुखमयी होती है, वो है उसकी बैटरी। अब मैं बताता ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जो बैटरी होती है ना वो ऐसे ऐसे टाइम पे खत्म होती है कि मैं क्या बताऊं। लिटरली कल की ही बात है भाई, मेरे दोनों फोनों के अंदर एक फोन में 2% बैटरी और एक फोन में 4% बैटरी, और रात के बज रहे थे 12। मुझे लगा आज तो मेरा कट जाएगा कुछ ना कुछ भाई गलत, ये गड़बड़ है बाबा। तो भाई ऐसे ना डर सा हो जाता है, और उस टाइम पे मेरा इतना पावर बैंक ना कोई ऐसे पावर का सोर्स, भाई ऐसे डरते डरते मैं घर पहुंचाऊं। तो बेसिकली होता है कि भाई हम लोग फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हमारे फोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, और हम लोग कभी बार ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हमारे पास बैटरी कोई सोर्स ना चार्ज वार्ज कर सके, और ये चीज बहुत दिक्कत दे सकती है। तो यहाँ पे काम आता है भाई पावर बैंक का, और जब पावर बैंक की बात आती है तो यहाँ पे भाई हजारों तरीके पावर बैंक अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसे दो स्पेशल पावर बैंक आए जो कि भाई बोट की तरफ से लॉन्च करे गए हैं, और दोनों ही तुम्हारे भाई के पास अवेलेबल है, जो की बोट की एनर्जी शोरूम के अंदर PB310 वायरलेस प्रो और साथ ही में है PB30 एयर। तो इन दोनों पावर बैंक को जल्दी से अनबॉक्स करके चेक करते हैं इनमें क्या मिलता है हमारे को बॉक्स के अंदर ऐसे। और ना पैकेजिंग मेरे को इस बार भाई बोट की काफी अच्छी लगती है पावर बैंक की, मैंने ना पहले भी यूज कर रहा हूं, मेरे पास 20,000 mAh वाला बोट का पावर बैंक है और 10,000 mAh वाला भी है। तो यहां पे देख सकते हो पूरा ना पीछे डायग्राम बना हुआ है, यहां पे कुछ चीजें मेंशन है जैसे कि 2 वे हमारे को 22.5 वाट्स की चार्जिंग सपोर्ट देखने मिल जाता है, पास थ्रू चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 12 लेयर प्रोटेक्शन है जिसके अंदर स्मार्ट आईसी लगाई गई है जिसके आपके फोन को भी हैम्परिंग नहीं होगी, जो कि एक अच्छी चीज है। तो भाई इसको फटाफट से यहां से खोल लेते हैं, एंड साथ ही साथ ना मैं इस वाले को भी खोल लेता हूँ बिकॉज साथ में ही खुल जाएंगे तो सही रहेगा। एंड इसके अंदर भी कुछ चीजें जैसे मेंशन है कि इसमें भी आपको 12 एयर स्मार्ट आईसी प्रोटेक्शन मिल जाती है, 2 वे 22.5 वॉट की आपको चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो पहले छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं बिकॉज उसमें देखते हैं भाई क्या है। तो खोलते हैं भाई, हमारे को कुछ पैम्पलेट देखने मिल जाते हैं, स्टिकर एंड ऑल, और इसको निकालते हैं। यहाँ पे रखा हुआ है हमारा पावर बैंक मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन ब्रांड, ओ इट्स वेरी नाइस। तो ये रहा भाई हमारा PB300 एयर, काफी ज्यादा स्लीक एंड क्यूट है इतना कि प्लास्टिक चढ़ी हुई, इसको निकालते हैं। ओ ये सेटिस्फाइंग फील नहीं हुई बट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो भाई काफी ज्यादा शाइनी पार्ट है। तो ये हमारा पावर बैंक काफी क्यूट सा है और छोटू सा है, तो आप लोग इसे इजीली कैरी कर सकते हो। तो पावर बैंक को कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जितना वो छोटा होगा, जितनी पावर ज्यादा होगी उसके अंदर, उतना ही भाई हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप लोग छोटी सी पावर अपने ऐसे हथेली में भी घूम सकते हो। बात तो सही है। एंड साथ ही में इसके अंदर हमारे को जो है टाइप सी टाइप ए वाली केबल देखने मिल जाती है, और जो केबल की क्वालिटी भी अच्छी है, लाइक अच्छी खासी क्वालिटी है, मोटी है काफी। अब बारी बड़े वाले को खोलने की, इसमें देखते हैं भाई ये कैसा मिलता है। तो इसको भी निकाल लेंगे हम लोग, काफी ज्यादा इजीली निकल जाता है। यहाँ पे हमारे को उसमें सेम वही मिलता है, मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन ब्रांड। ये 10,000 mAh का वायरलेस पावर बैंक है, ये निकालते हैं। ओ यस, तो इसमें वायरलेस बेसिकली इसलिए है क्योंकि इसमें आपको जो है ची का सपोर्ट मिलता है, तो आप वायरलेसली अपना फोन चार्ज कर सकते हो उससे। एंड ये निकालेंगे हम लोग, इसमें भी आपको टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल देखने मिल जाती है, एंड ये भी सेम वही है, इसमें आपको पूरी मेटल फील मिलती है, पीछे साइड में बोट का लोगो मिल जाता है यहाँ पे, और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी। सामने की तरफ पन्नी चढ़ी हुई, निकाल लेते हैं एक बार। ये जो है कुछ इस तरीके से निकलेगी। ओ यस, ओके, सो भाई ये निकल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड दे रखा है हमारे ना, एंड पीछे की साइड में आपको दिखाई दिया, नीचे साइड में तो कुछ चीजें मेंशन है जो कि इसकी मैक्सिमम आउटपुट कैपेसिटी बताएगा। एंड साथ ही हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एंड वी हैव द पावर बटन है जिसके अंदर LEDs हैं। अब देखो भाई, इन दोनों ही जो पावर बैंक है इनकी जो आप कह सकते हो जो ऑडियंस है या फिर आप कह सकते हो जो नीड्स ये केटर करते हैं बहुत डिफरेंट है। जैसे कि अगर आप लोग इसकी बात करो एयर की, तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, ये स्मॉल साइज के अंदर आपको मिल रहा है 10,000 mAh की कैपेसिटी के साथ। तो 10,000 mAh की कैपेसिटी इस स्मॉल फॉर्म फैक्टर में मिलना एक बहुत बड़ी बात इसलिए कि आप लोग इसे इजिली कैरी कर सकते हो, और साथ में ये 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो इससे ये होगा कि आप लोग अपने फोन को ऑन द गो डायरेक्टली फास्ट चार्ज कर सकोगे, और 10,000 mAh मतलब कि आपका फोन आराम से 2-3 बार इजीली चार्ज हो जाएगा। इसमें भी आपको 12 लेयर आईसी प्रोटेक्शन मिल जाता है जो कि एक अच्छा रहता है, आपके फोन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वोल्टेज की। और यहाँ पे आप देख सकते हो बटन मिलता है, तो हम लोग इसे अगर पावर ऑन करते हैं पावर ऑन हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोग अपना फोन कनेक्ट करते हैं इससे टाइप सी के थ्रू, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इसने दिखा दिया हमारे को कि बैटरी परसेंटेज कितनी है, बिल्कुल बीच में 54% यहाँ पे लिखकर आ रहा है। तो ये काफी ज्यादा इजी है, आपको दूर से पता चलेगा आपके लाइक पावर बैंक में कितनी बैटरी लेफ्ट है। इसके अंदर आपको 2 पोर्ट देखने मिलते हैं, जिसके एक टाइप सी वाला पोर्ट है जो कि 2 वे सपोर्ट करता है, मतलब इससे चार्ज भी कर सकते हो इस पावर बैंक को, और इससे चार्ज भी ले सकते हो अगर आप किसी फोन को चार्ज करना चाहो। साथ ही में हमारे को टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है जिससे कि ऑब्वियसली चार्ज आप लोग कर सकोगे अपने पावर बैंक से किसी फोन को। और दोनों ही पावर बैंक के अंदर एक बड़ी मस्त चीज है, वो है कि भाई आपको इसके अंदर पास थ्रू चार्जिंग ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप लोग साइमल्टेनियसली चार्ज एंड डिस्चार्ज कर सकते हो अपने पावर बैंक को। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पावर बैंक की, जो कि आज का एक और मेजर तगड़ी चीज है, और ये है भाई हमारा वो वाला, ये एनर्जी शोरूम PB310 वायरलेस प्रो। अब वायरलेस प्रो जब जहां पे नाम आया, तो मतलब ये पावर बैंक जो आपकी वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना आपको इसमें स्मूथ नॉन स्किड 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का पैड देखने को मिलता है, जिससे कि आपका फोन यहाँ पे स्किड नहीं होगा, मतलब यहीं पे इंटैक्ट रहेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें नो स्किड देखने को मिलती है आपको। तो अगर मैं फोन को देखो, पावर बैंक कितना तिरछा कर रहा है, देखो फोन नहीं गिर रहा है, देखो
ये देखो कितनी बढ़िया चीज है, ये बहुत अच्छी लगी चीज मुझे। एंड अगर आप लोग ऊपर देखो तो यहाँ पे आपको दो टाइप ए वाले पोर्ट देखने मिल जाएंगे। टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है जो कि टू वे है, मतलब कि आप लोग इसे चार्ज भी कर सकते हो पावर बैंक और इसे चार्ज ले भी सकते हो। ये साथ ही में क्विक चार्ज 3.0 भी सपोर्ट करता है और 22.5 वाट्स तक डायरेक्टली आपके फोन को चार्ज कर देगा, जो कि बहुत तेज होता है। इससे आप लोग वायर्ड के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो, वायरलेस के थ्रू भी चार्ज करते हो, वो भी साइमल्टेनियसली, मतलब कि आप लोगों ने वायर लगा रखी होगी और अपना कोई भी अगर फोन रखोगे तो सब कुछ चार्ज होगा एक साथ। तो जैसे कि हम लोग एक काम करते हैं इसके अंदर, देखो इस तरीके से ना आप लोग सारी अपनी कनेक्ट कर सकते हो केबल्स, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो आई थी ना साथ में, यही सारी कनेक्ट कर लेता हूँ और दो चार डिवाइस हम चार्ज करके देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो ये दो जो है केबल्स मैंने भाई कर ली कनेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, हम लोग एक फोन कनेक्ट लेते हैं, ये चार्ज होने लग जाएगा। एंड यहाँ पे चार्ज हो रहा है ये वाला, एंड मैं ये वाला भी कर लेता हूँ दोबारा से कनेक्ट, ये भी चार्ज हो रहा है। एंड जैसे कि हम देखा ये भी चार्ज हो रहा है भाई वायरलेसली इससे। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैं एक साथ चार्ज कर सकता हूँ, जो कि भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और ऊपर से इसके अंदर में आपको 12 लेयर की आईसी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप लोगों को टेंशन लेने की बात है ही नहीं, आप आराम से अपने चीजों को चार्ज कर सकोगे। तो कोई टेंशन मत लेना कि भाई फूक जाए कुछ हो जाए, ना ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें आपको आईसी प्रोटेक्शन मिल रही है 12 लेयर की। ये साथ ही में स्क्रैच रेजिस्टेंट, हाई टेंपरेचर रेजिस्टेंट है, तो मतलब आप लोग इसको यूज कर सकते हो कहीं पर भी किसी भी एनवायरमेंट के अंदर। और ऊपर से मैं चीज नोटिस कर रहा था कि 10,000 एमएच का पावर बैंक है, तो आपकी जो नॉर्मल यूजेज रहेगी जब आप लोग किसी चीज को चार्ज करना चाहोगे तो तेजी से चार्ज होगा और साइज सफिशिएंटली चार्ज होगा। तो ये दो चीजें क्राइटेरिया जो होते हैं पावर बैंक के, वो दोनों ही फुलफिल कर रहा है। और ऊपर से आप लोग अपने दोस्तों के बीच में चार्जिंग शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आउटपुट ज्यादा है, आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिला है, तो मतलब काफी सारी चीजें इसमें। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आपको स्लीक एल्युमिनियम केसिंग देखने मिल जाती है, बोट के लोगों के साथ दिखने में काफी ज्यादा सही है, स्टडी लगता है, फील अच्छा होता है। और दोनों की अगर बात करो तो भाई दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव है। कोई आपको एक बहुत ज्यादा लाइट वेट और बहुत कॉम्पैक्ट मिला तो आप लोग इसे इजीली कैरी कर सकते हो, आपको इसके अंदर स्ट्रैप भी मिल जाता है, आप लोग इसे कैरी कर सकते हो, बैग के अंदर टांग सकते हो कहीं पर भी, तो ये बहुत इजीली कैरिएबल है। वहीं पर इसके अंदर आपको फंक्शनलिटी ज्यादा मिल जाती है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी। मेरे हिसाब से तो दोनों ही बहुत तगड़े हैं अपने अपने सेगमेंट के अंदर और मेरे को दोनों ही पसंद है। अब अगर बात करें तो भाई हमारा जो ये है वायरलेस प्रो वाला, ये आपको देखने मिलता है 1699 रुपीज का, हमने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। और साथ ही मैं अगर बात करूं मैं अपने इस एयर की, जो कि बिल्कुल पॉकेट साइज बिल्कुल फ्रेंडली है, ये आपको देखने मिलता है 1499 का, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, डायरेक्टली बाय कर सकते हो। एंड ये दोनों ही पावर बैंक जो है फ्लिपकार्ट एंड बोट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप लोग इन बेहतरीन पावर बैंक को चेकआउट कर सकते हो, हमने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग हमें बताना वो कैसे लगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।